अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इंसिडेंट किस चीज़ पे बेस करेगी। तो सबसे पहले हमें क्या है कि हमें डिटरमाइन करना है, हमने किसी भी एक्सीडेंट इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हमें उसमें कितना टाइम रिक्वायर्ड है, हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं कौन से हमें रिक्वायर्ड हैं, ये तमाम चीज़ें बेस्ड करेंगी तीनों फैक्टर कि हमने किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन करनी है। जब भी किसी एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो एक्चुअल सिवियरिटी लेवल को कंसिडर नहीं करना, उसके एक्सपेक्टेड फोर्सफुल सिवियरिटी लेवल क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक नट कहीं हाइट से गिरा था, किसी आदमी को इंजर्ड हुआ तो उसका स्किन डैमेज हुई, उसे कुछ फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर एक नट बोल्ट की जगह एक स्पैनर गिर जाता है तो वो लाजमी किसी का शोल्डर फ्रैक्चर करेगा, अदरवाइज अगर कोई बड़ा टूल गिरेगा तो किसी के सर में लगने से डेथ भी हो सकती है। इन एडिशन टू दिस, हमें जो हाई पोटेंशियल नियर मिसेज हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी यही तीन फैक्टर कंसिडर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक स्पैनर गिरा, लोग काम कर रहे थे, उनके करीब में गिरा, नियर मिस हुई, कुछ इंसीडेंट इंजरी नहीं हुई, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वही स्पैनर किसी के सर पर लगेगा तो फैटल हो सकता है। तो हमें कभी भी इन्वेस्टिगेशन के जो तीनों फैक्टर हैं एक्चुअल सिवियरिटी पे बेस नहीं करने, फोर्सेबल नेक्स्ट टाइम अगर रिपीटिव एक्सीडेंट हुआ तो उसमें कितना नुकसान हो सकता है उस चीज़ को कंसिडर करते हुए हमें अपना टाइम, रिसोर्सेज और इनपुट तमाम चीज़ें इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में इनपुट करनी पड़ेंगी। बेस्ड ऑन तमाम रिकमेंडेशन ही हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है, लाइकलीहुड क्या होता है, सिवियरिटी लेवल क्या होता है, इन तमाम की डिटेल वीडियो मल्टीपल हमने शेयर कर दी हैं, आप उन वीडियो से डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। अब अगर बात करें हम लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की, तो हमारे पास मोस्टली चार तरह की इन्वेस्टिगेशन के लेवल जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं। मल्टीपल कंपनीज में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी चूज हो सकती हैं। मिनिमम लेवल क्या है कि आपने एक इनिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया, लाइन मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया कि हमारे पास ये नियर मिस हुई थी, हाई पोटेंशियल नहीं है, नॉर्मल सिनेरियो है, इसको हमने कंट्रोल में यार इंट्रोड्यूस करके क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट लेवल में क्या आएगा, फ्रॉम लाइन मैनेजमेंट कुछ कमिटमेंट शो की जाएगी कि हम इसका जो लेसन लर्निंग है विद लीडरशिप पार्टिसिपेशन या एक्टिव डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ इंश्योर करेंगे ताकि एक पॉजिटिव मैसेज टू ऑल वर्कफोर्स जा सके। नेक्स्ट लेवल हमारे पास आएगा मिडिल मैनेजर विद सपोर्ट एंड सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट। मे बी इन्वेस्टिगेशन के लिए मिडिल मैनेजमेंट की सपोर्ट की जरूरत होगी, अदरवाइज रिकमेंडेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो हमारे मिडिल मैनेजर हैं उनकी एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी, उनकी साइड सर्विलेंस रिक्वायर्ड होगी ताकि तमाम चीज़ को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आएगा हाई सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइड विद द टीम बेस्ड अप्रोच एंड सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट। हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड हैं, साइट विजिट रिक्वायर्ड हैं, कंसल्टेशन मीटिंग्स रिक्वायर्ड हैं, उसके अलावा जो नेक्स्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उसके अंदर हमें एज पर हायरार्की टू कंट्रोल कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हमें थर्ड पार्टी पे सर्टिफाइड करवानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगी, तो उसके अंदर हमें सीनियर मैनेजमेंट की एक्नॉलेजमेंट और पार्टिसिपेशन भी लाजमी चाहिए होगी। एट द एंड लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन बेस्ड करेगा नेक्स्ट अगर हमारे पास सेम एक्सीडेंट रिपीट होता है तो क्या एक्सपेक्टेड हमारे पास सिवियरिटी हो सकती है, ना कि हमारे पास एक्चुअल जो भी हुआ है उसकी सिवियरिटी पे बेस करते हुए। तो हमने इसके अंदर कितना टाइम, कितनी एफर्ट, कितनी मनी, कितनी रिसोर्सेज करने हैं, तमाम चीज़ें लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड होती हैं। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।